हेलो फ्रेंड्स, पल्लव की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वेस्ट बंगाल की फेमस रोज बोड़ा की रेसिपी है। इसे बनाने में ना हमें खोया की ज़रूरत है, ना पनीर की ज़रूरत है, घर की कुछ बेसिक सामान से ही बन जाता है। और फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद में तो रक्षाबंधन आने वाला है, उसी फेस्टिवल के मौके पर आप इस मिठाई की रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। तो देर ना करते हैं, फटाफट चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। रस बड़ा बनाने के लिए यहाँ पैन में एक चम्मच घी ले लेंगे और घी को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। अब घी गर्म होने के बाद में एक कप यहाँ हम सूजी डाल देंगे। सूजी को मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर जार में लगा के इसे पीस लिया था। आप भी इसी तरह का सूजी को पीस लीजिए और अच्छी तरह से चलिए इसे लगातार चलाते हैं 7 से 8 मिनट के लिए पूरा लो टेम्परेचर पर, ताकि ये जल ना जाए, इसका हल्का कलर चेंज हो जाए और जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सूजी है बढ़िया सी रोस्ट हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने एक कप सूजी ले लिया था, इसमें अब कम से कम मैं डालूँगी 2.5 कप दूध। और 2.5 कप दूध डालने के बाद में एक साथ में हमें दूध को नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और अच्छी तरह से डो को मिक्स करना है। लगातार डो को हमें चलाना है लो टेम्परेचर पर। डो को हमें अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये खुद से पैन को ना छोड़ दे। देखिए धीरे धीरे डो भी पकने लगा है और पैन को भी छोड़ने लगा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का डो बन के रेडी हो गया है। और अभी गैस को हम ऑफ कर देते हैं और सूजी को अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, इसमें अभी 2 चम्मच दूध पाउडर डालेंगे। तो मैंने ये 10 रुपये का दूध पाउडर का पैकेट लाया है, इसको डाला है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दूध पाउडर से क्या होगा, हमारी जो रोज बोड़ा बनेगी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी डो को अच्छी तरह से दूध पाउडर के साथ में हम गूंथ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से डो को गूंथ लिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए साइड में ढक के छोड़ देंगे और अभी हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1 कप हम शक्कर ले लेंगे और उसी कप के मेज़रमेंट से हम 1/2 कप पानी ले लेंगे और अच्छी तरह से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए कुटी हुई इलायची डालेंगे, उसी के साथ में सैफ्रन के कुछ स्टिक डालेंगे। अगर आपको सैफ्रन पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसी के साथ में इसमें थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ करेंगे, ऑरेंज फूड कलर मैंने यूज़ किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर में देखिए शक्कर मेल्ट हो गया है और अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गया है। बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए इस स्टेज में गैस को ऑफ कर देना है। चाशनी को हमें गाढ़ी नहीं बनानी है, चाशनी को हल्का सा चिपचिपा रखना है, नहीं तो हमारे जो रोश बड़ा बनेंगे उसमें ये जो रोश है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब गैस को ऑफ करके ढक के छोड़ देते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो भी अच्छी तरह से लग गया है। तो एक बार इस तरह से हाथ से डो को मसल लेंगे और आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आप रोज बोड़ा बना सकते हैं। तो चलिए रोज बोड़ा हम बना लेते हैं। इसी तरह से सभी रोज बोड़ाओं को बना लेते हैं और प्लेट में सजा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोज बोड़ा रेडी हो गई है। तो चलिए अभी इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से पहले गरम करेंगे, फिर गैस को लो कर देंगे और एक एक करके इसमें रोज बोड़ा को हम डाल देंगे और दोनों साइड अलट पलट करके इसे हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, वो भी लो टेम्परेचर पर। और फ्राई करते समय ध्यान रखिए इसे लो टेम्परेचर पर ही फ्राई करना है दोनों साइड से अच्छी तरह से। अगर आप टेम्परेचर हाई करेंगे ये जल्दी से फ्राई तो हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रोज बोड़ा है अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो हम इसे ऑयल में से निकाल देंगे और इसे इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसे जब हम चाशनी में डालेंगे तो चाशनी गुनगुना नहीं, चाशनी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो जाती है तो आप उसे अच्छी तरह से गर्म करें और इस चाशनी में रोज बोड़ा को डाल दीजिए। सभी रोज बोड़ों को इसके अंदर डालने के बाद में फ्रेंड्स इसे कवर करके रखिए 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक इसके अंदर ये चाशनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये फूल के अच्छे से डबल होने वाली है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे रस बड़ा कितनी अच्छी तरह से फूल के रेडी हो गई है। तो मैं एक काट कर भी आप सभी को दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स सुपर सॉफ्टी हमारी ये रोज बड़ा बन के रेडी हो गई है और अंदर से भी देखिए कितनी जूसी बनी है। तो फ्रेंड्स इस बार ज़रूर रक्षाबंधन में इसे बनाइए।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज की हमारी ये ट्रेडिशनल रोज बोड़ा की मिठाई कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे पल्लवी की किचन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो पल्लवी की किचन इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।